स्वागत है आपका सत्येंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं विक्के सौरभ आज आपको इंटरव्यू स्किल्स के बारे में जानकारी दूंगा। इंटरव्यू स्किल्स, सबसे पहले हमें इंटरव्यू शब्द की महत्ता को समझना है। यह हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको अपने जीवन में उतारने के लिए हमें बहुत अच्छे से प्रयास करने चाहिए। सबसे पहले इसके परिभाषा समझते हैं, इंटरव्यू है क्या। आवेदक की किसी नौकरी या कॉलेज की जगह के लिए मौखिक परीक्षा ही इंटरव्यू कहलाती है। किसी नौकरी या उस संस्था की जगह के लिए आवेदक की मौखिक परीक्षा इंटरव्यू कहलाती है। इसको सफल बनाने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी है। उपस्थिति, शिष्टाचार एवं सामान्य व्यवहार, किसी भी इंटरव्यू को सफल बनाने के लिए आपको इन बिंदुओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, उसके बाद आपके शिष्टाचार तथा वहां पर होने वाले सामान्य व्यवहार आपको इंटरव्यू में सफल बना सकते हैं। अब हमें इंटरव्यू के कुछ नियमों को जानना है, जिससे कि हम किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले नियम एक, जल्दी पहुंचना या जल्दी आओ। आप इस शब्द को अपने मस्तिष्क में बिठा के इंटरव्यू देने जाएं, ऐसा लगना चाहिए कि इंटरव्यू आपको बुला रहा है कि आप जल्दी आओ, वो नौकरी आपके लिए ही है। अगर आप किसी इंटरव्यू के स्थान पर समय से पूर्व पहुंचते हैं तो आप उत्तेजित नहीं होते हैं और इंटरव्यू से जुड़ी सारी जानकारी आपको उपलब्ध होती है। इसलिए इंटरव्यू के स्थान पर आपको निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व पहुंचनी चाहिए। अगर आप देर करते हैं, अगर आपको देरी हो जाती है घर से निकलने में, तो आपको इंटरव्यू के स्थान तक पहुंचते पहुंचते ढेर सारी बातें आपके दिमाग में चलती हैं, जिससे कि आप इंटरव्यू को ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि अगर यदि आप देर हो जाते हैं इंटरव्यू स्थान से, तो हो सकता है आपको इंटरव्यूअर यह कह के निकाल दे कि आज आप पहला दिन ही समय पर ना पहुँच पाए, तो आप नौकरी क्या कर सकते हैं। तो ढेर सारी बातें हैं, इसलिए आप इंटरव्यू से 30 मिनट पूर्व पहुँचें। दूसरा नियम है पेशेवर छवि प्रदान करना। आप इंटरव्यूअर के सामने और इंटरव्यू वाले स्थान पर अपनी पेशेवर छवि प्रदान करें। वहाँ पर आप कोई भी अतिरिक्त कार्य ऐसा ना करें जिससे कि आपकी छवि खराब हो सकती है। जैसे धूम्रपान ना करें, च्युइंगम ना चबाएं, म्यूज़िक ना सुने, और यदि आप सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप गहरी सांसें लें और ख़ुद को शांत करें। यदि आपको आवश्यक महसूस हो तो आप अपने सामान को अपने से अलग कर लें, ताकि आप बहुत अच्छा महसूस कर सकें। अब है नियम तीन, हाथ मिलाने के लिए तैयार रहें। हाथ मिलाने के लिए तैयार रहें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको इंटरव्यूअर से हाथ मिलाना होता है, अगर आप उस दौरान अपने हाथ को स्वच्छ और पसीना रहित रखेंगे तो आपकी अच्छी छवि उनके सामने प्रस्तुत होगी। हाथ मिलाने के दौरान अपना आत्मविश्वास दिखाएं और अपने हाथ को सहज तरीके से मिलाएं। इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ अभ्यास भी कर सकते हैं। अब है नियम चार, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, यहाँ तैयार हो जाओ का अर्थ है कि जब आप इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करेंगे तो उस दौरान आपके सभी डॉक्यूमेंट्स एक अच्छे फोल्डर में सुसज्जित रूप से होने चाहिए और आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि आपसे होने वाले प्रश्न एक बातचीत के रूप में होंगे, ना कि परीक्षा के रूप में। तब आप खुद को बहुत रिलैक्स फील कराएंगे और आप इंटरव्यूअर के सामने अपनी अच्छी प्रस्तुति कर पाएंगे।
अगला है नियम पाँच, पहले ना बैठे। जैसा कि नियम से आपको पता चल रहा है कि आप इंटरव्यूअर के सामने पहले ना बैठें, जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए ना कहा जाए आप स्वयं को उनके कुर्सी के सामने ना बिठाएं। ऐसा करने से आपकी छवि खराब हो सकती है। साथ ही जो भी आपको आरामदायक लगे बैठने से पूर्व या बैठने के पश्चात अपना परिचय दें और अपना आत्मविश्वास दिखाएं और इंटरव्यूअर से नेत्र संपर्क बनाए रखें। अगला है नियम छः, अतिरिक्त वस्तु धारण ना करें। अतिरिक्त वस्तु धारण ना करें, यहाँ तात्पर्य है कि आप अपना अतिरिक्त ब्रीफकेस या पर्स ना लेके जाएं, साथ ही कुछ वैसे आभूषण ना पहने जो कि आप बाहर से झूलते हुए या लटकते हुए दिखाई पड़े। उस दौरान आप अपने वस्तु को सुसज्जित रूप से सामने रख सकते हैं। आप ऐसा खुद को ना प्रदर्शित करें कि इंटरव्यू खत्म होगा और तुरंत आप उठ के जाएंगे, उसको एक सामान्य बातचीत के रूप में लें। फिर है नियम सात, चिल्लाना या फुसफुसाना। इंटरव्यूअर के सामने जब भी आप प्रश्नों के जवाब दें तो ऐसा ना प्रतीत हो कि आप बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं, या ऐसा भी प्रतीत ना हो कि आप बहुत धीमे बोल रहे हैं जैसा कि कोई भी व्यक्ति फुसफुसा के बोलता है। तो उस दौरान आप इंटरव्यूअर के टोन को मिला के बात करें। इंटरव्यूअर की जैसी आवाज़ है उनके ही आवाज़ की मात्रा में अपनी आवाज़ मिला के बात करें, जिससे कि एक बातचीत सहज रूप से हो सके। अब है नियम आठ, नकारात्मक हाव भाव से बचिए। नकारात्मक हाव भाव से बचिए। एक साक्षात्कारकर्ता इंटरव्यूअर देखना यह चाहता है कि आप प्रेशर में, आप दबाव में खुद को कैसा प्रदर्शित करते हैं। तो उस दौरान आप नकारात्मक हाव भाव ना करें, जैसे कि अपने मुंह को बार बार ना छुएं। उस दौरान आप अपने आप को तनाव में ना दिखाएं, खुद को घबराहट से दूर रखें। जैसे किसी प्रश्न के उत्तर देने के दौरान आप जानबूझकर खांसी लगाते हैं, तो यह नहीं करना है। इससे सामने वाले को यह पता चलता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ घबराहट है और आपका यह नकारात्मक भाव सामने वाले को आपके बारे में जानकारी दे देता है। साथ ही जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है कि अपने होंठ को कुतरना, तो आप अपने दांतों से अपने होंठ को ना दबाएं। उसके बाद जानबूझ के या मजबूर मुस्कान ना दें। सामान्य बातचीत के दौरान सामान्य मुस्कान ही रखें। आप ज़बरदस्ती की अगर मुस्कान देंगे तो सामने वाले को यह पता चलेगा कि आप दबाव में महसूस कर रहे हैं। उसके बाद अपने पैरों को ना झुलाएं, अपने बाहों को मोड़ के बातचीत ना करें, अपने बाहों को क्रॉस करके बातचीत ना करें। फिर कंधे झुकाकर नहीं बैठना है आपको, आपको सीधा बैठना है ताकि इंटरव्यूअर को यह पता चल सके कि आपके अंदर पूरा पूरा आत्मविश्वास भरा हुआ है। उनसे नेत्र संपर्क बनाए रखें, नेत्र संपर्क से बिल्कुल ना बचें। अगर आप नेत्र संपर्क बनाए रखेंगे तो इंटरव्यूअर आपसे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे। इसको एक सार के रूप में देखा जाए तो कह सकते हैं कि उलझन में ना दिखिए। अगर आप उलझन में रहेंगे तो इंटरव्यूअर आपको, आपकी छवि को नकारात्मक रूप से लेगा। अब है नियम नौ, आंखों से संपर्क बनाए रखें। इंटरव्यूअर के सामने जवाब देने या प्रश्न पूछने के दौरान उनसे नेत्र संपर्क जरूर बनाएं, इससे आपका आत्मविश्वास उनको दिखता है।
अब है नियम 10, सकारात्मक रहें। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी कंपनी में या किसी संस्था में काम कर रहे होते हैं तो आपको प्रमोशन के लिए भी इंटरव्यू देना पड़ता है। उस दौरान आप अपने सहयोगी कर्मचारी काम के बारे में या जिस जैसा भी आपको इंटरनली वहाँ काम के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो उसमें हमेशा सकारात्मक उत्तर दें, कभी भी नकारात्मक टिप्पणी ना करें, इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। फिर है नियम 11, अंतिम नाम से पुकारें। जब इंटरव्यूअर आपको स्वयं का परिचय देते हैं तो आप उनको उनके अंतिम नाम से ही पुकारें। ऐसा करने से आप एक प्रोफेशनल फील कराते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का नाम है विवेक शर्मा तो आप उसको मिस्टर शर्मा कह के बुलाएं, यह ज़्यादा प्रोफेशनल फील होता है। फिर है नियम 12, बहुत ज़्यादा या बहुत कम बात ना करें। आपको जब इंटरव्यूअर के सामने अपना जवाब देना होता है या इंटरव्यूअर के सामने आप बातचीत कर रहे होते हैं उस समय अपनी टिप्पणी के लिए बहुत ज़्यादा ना बोलें और बहुत कम भी ना बोलें। इंटरव्यूअर को उनके उत्तर के लिए एकदम सटीक संक्षिप्त उत्तर दें ताकि इंटरव्यूअर आपके शब्द को आपकी बातों को सुन के संतुष्ट हो जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो इंटरव्यूअर बोर हो जाएंगे और अगर आप बहुत कम बात करेंगे तो इंटरव्यूअर आप में रुचि नहीं दिखाएंगे। इसलिए संक्षिप्त बात करें, सटीक बात करें। अब है नियम 13, अपनी बारी में जवाब दें या अपनी बारी में प्रश्न पूछें। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं उससे जुड़े ढेर सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में होते हैं और आपको उनका जवाब इंटरव्यूअर से ही लेना होता है, तो आप उन प्रश्नों को पहले ना पूछें। जब तक आपको इंटरव्यूअर उन प्रश्नों को पूछने के लिए ना बताएं तब तक आप अपने प्रश्न को ना पूछें। फिर है नियम 14, प्राकृतिक बने रहें। प्राकृतिक बने रहें, यहाँ प्राकृतिक से तात्पर्य है कि आप उनके दिशा निर्देशों का पालन करें। इंटरव्यूअर के सामने आप सामान्य रूप से सामान्य बातचीत के रूप में उन निर्देशों का पालन करें। आप ऐसा फील ना कराएं कि वह एक परीक्षा है, वह सामान्य बातचीत है। उस दौरान अगर आप यह सोचेंगे कि वह सामान्य बातचीत है तो आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को प्रस्तुत कर पाएंगे। फिर है नियम 15, धन्यवाद कहें। जैसा कि आप जानते हैं कि धन्यवाद कहना बहुत बड़ा शिष्टाचार का नियम है, तो इंटरव्यूअर जब आपको अपना समय, इतना बहुमूल्य समय निकाल के आपके लिए देते हैं तो आपको इंटरव्यू समाप्ति के बाद उनको धन्यवाद कहना चाहिए। अगर हो सके तो एक धन्यवाद नोट लिख के उनके सामने रख दें। ऐसा करना आपके शिष्टाचार को दर्शाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।